तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे ब्लाउज के जो मेजरमेंट हैं वो इस तरह से हैं। ब्लाउज की लेंथ जो है वो 13 इंच है, अपर चेस्ट है वो 35 इंच है, आर्म होल है फिफ्टीन इंच और कमर की जो फिटिंग है वो है 30 इंच और यहाँ पर ये शोल्डर जो है 14 इंच के हैं और ये जो मेजरमेंट है लेंथ, अपर चेस्ट, आर्म होल, कमर की फिटिंग और शोल्डर, ये मेजरमेंट हमको बैक पार्ट की कटिंग के लिए लगने वाले हैं, इसलिए हमने यही मेजरमेंट लिए हैं। इसमें हमने फुल बस्ट स्लीव्स का राउंड वगैरह हमने यूज़ नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर हमको वो माप की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो बैक नेक है वो 8 इंच का खुलने वाला है। तो हम इसकी कटिंग, बैक पार्ट की कटिंग किस तरह से करेंगे ये देखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले तो हम लेंथ देख लेंगे। लेंथ है हमारी 13 इंच, तो हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, 14 इंच ले लेंगे। हम यहां पर एक मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारा पेपर का जो तिरछापन है वो हट जाए। ये देखिए 13 इंच हमारे ब्लाउज की लेंथ है तो हम यहाँ पर 14 इंच पे एक मार्क कर रहे हैं। इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर शोल्डर जो है वो 14 इंच है तो यहाँ पर हम पूरा शोल्डर लगा लेंगे, उसका हाफ करेंगे। 14 का हाफ होता है 7 इंच, 14 इंच का अगर हमारा शोल्डर है तो 7 इंच अभी हम पूरा शोल्डर लगा लेंगे। हमारा गला जिस तरह से डीप खुलेगा उस तरह से हम शोल्डर को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हमने 7 इंच पे मार्किंग किया है। उसके बाद यहाँ से हम करीब 6 इंच नीचे एक मार्किंग करेंगे और यहाँ से हम अपर चेस्ट जो है अपर चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 9.5 इंच आता है, 35 इंच का फोर्थ पार्ट करेंगे तो 9.5 इंच आता है। तो हम यहाँ पर इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, इसमें हम पौना इंच 3/4 इंच की मार्जिन देंगे और इस लाइन को भी हम सीधा कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी अपर चेस्ट के लिए मार्किंग है, ये हमारी अभी आर्म होल के लिए मार्किंग फिक्स नहीं हुई है। हमारे आर्म होल के हिसाब से ये लाइन हमारी ऊपर नीचे हो सकती है। इसके बाद हमारी कमर की फिटिंग देख लेंगे। कमर की फिटिंग है 30 इंच तो उसका फोर्थ पार्ट होता है 7.5, 7.5 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। बैक में जो डार्ट लगाते हैं, जो टक्स लगाते हैं उसके लिए, और यहाँ पर हम 1.5 इंच की मार्जिन लगा लेंगे। यहाँ पर भी इसी तरह फोर्थ पार्ट हमारा 9.5 इंच आता है, 3/4 इंच हम इसके अंदर मार्जिन रखेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर भी मार्जिन लगा लेंगे। तो इन लाइनों को हम एक दूसरे से मिला लेंगे। ये देखिए लूजिंग वाली लाइन से जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पर हम एक मार्क करेंगे और यहाँ से ये जो हमारी मार्जिन है इसको हम मार्क करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमारा नेक हमारा 8 इंच है, बैकिंग में जो गला हमारा है वो 8 इंच का है। ये देखिए
यहाँ पर अगर हमको 8 इंच का गला खुला रखना है तो हम यहाँ से शोल्डर से 1.5 इंच माइनस कर लेंगे, 1.5 इंच यहाँ पर हम माइनस करेंगे। ये देखिए, और जो हमारा अपर चेस्ट है ये देखिए, इसकी लाइन पर भी हम यहाँ से सीधी मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा शोल्डर कितना रह रहा है, 5.5 इंच। हमारा फुल शोल्डर था 7 इंच, 14 इंच का हाफ हमने ले लिया 7 इंच, उसमें से 1.5 इंच हमने मार्किंग कर लिया, माइनस कर लिया, तो यहाँ पर 5.5 इंच। तो यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पे हम एक मार्किंग कर रहे हैं और इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। इस लाइन से हम 1/2 इंच आगे की बाजू में इस मार्किंग से मिला लेंगे और यहाँ पर 1/4 इंच 3/4 इंच एक मार्किंग करते हुए और इसका हाफ लेते हुए हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व से बैक आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए, और अब हमारा जो आर्म होल है 15 इंच है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो हम यहां पर शोल्डर की पट्टी जो है हम तैयार 2.75 इंच के लिए रखेंगे। तो यहां पर 3.25 से 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और 1/2 इंच हम शोल्डर का डाउन दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम आर्म होल को काउंट करेंगे। ये देखिए, ये सिलाई के लिए हम यहाँ पे इतना छोड़ देंगे और यहाँ से हम आर्म होल काउंट करेंगे। हमारा जो आर्म होल है 15 इंच है, तो इसका हमको हाफ चाहिए। तो ये देखिए, ये आर्म होल यहाँ पर बढ़ रहा है, हम इस लाइन को हम ऊपर की तरफ ले लेंगे, तभी हमारा जो आर्म होल है वो सही से बैठेगा। ये देखिए, ये हमारी ओनली चेस्ट के लिए मार्किंग होती है, आर्म होल हमारा इसके ऊपर डिपेंड होता है, तभी ये लाइन ऊपर नीचे हो सकती है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। ये बॉडी मेजरमेंट है, इसलिए हम इसके आर्म होल में 1/2 इंच प्लस कर लेंगे। तो ये देखिए, आर्म होल हमारा है 15 इंच, उसका हाफ होता है 7.5 इंच, उसमें हम प्लस करेंगे 1/2 इंच। ये देखिए, इस तरह से हमारा 8 इंच का आर्म होल आ रहा है। तो ये हमारा आर्म होल की मार्किंग हो गई। यहाँ पर 2.25 इंच हमारी अगर गले की मार्जिन है तो यहाँ पर हम 3.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, और नीचे हम गले के लिए मार्किंग कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, यहां पे हम यहां से हम 4 इंच ले लेंगे और इसके दोनों साइड से 1/2 इंच ले लेंगे और ऊपर की तरफ 4.5 इंच रखेंगे। और ये हमारा बैक साइड का टक्स पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए, और यहां से हम कमर की साइड में 1/2 इंच ऊपर लेते हुए यहां से हम इस पॉइंट से इसको मिला देंगे। ये हमारी हो गई बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।